जय हिंद। नमस्कार मेरे सेठ सैनियों, काफी सारे बच्चे जिनका पेपर हो गया एसएससीडी के लिए, वो फिजिकल के लिए कॉल कर रहे थे, सर हम फिजिकल के लिए आ जाएं, हमारे कितने नंबर होने चाहिए। जैसे अभी सुबह से मैं जब पोलिंग को देख रहा था तो काफी बच्चे बार बार आते हैं, सर मेरे 100 नंबर से प्लस आ रहे हैं, मेरे 120 प्लस आ रहे हैं, कोई बोल रहा मेरे 80 प्लस आ रहे हैं, तो कितनी कट ऑफ रहेगी सर फिजिकल की, इसके बारे में। और जिन बच्चों का पेपर है वो भी इसको बारे में काफी जानना चाहते हैं कि सर इस बार पेपर के लेवल के हिसाब से आपको क्या लगता है कि पिछली कट ऑफ ज्यादा रहेगी या इस ये वाली कट ऑफ। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो भी बच्चा आ रहा है ना, वो आते क्या बोलता है कि पेपर बहुत ईजी था, रीजनिंग में एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हार्ड था, और हिंदी में पैसेज के बारे में बताएगा कि पैसेज थोड़ा सा लंबा चौड़ा रहा है इसलिए करने में दिक्कत आ रही है, और मैथ में एक दो क्वेश्चन हार्ड है, बाकी पूरा पेपर ईजी। हर एक बच्चे से यही रिव्यू सुना होगा आपने, हर कोई बच्चा, आपको बहुत कम बच्चे मिले होंगे जो बोलते हैं कि समय कम पड़ रहा है, यानी जिन्होंने तैयारी नहीं की हो सकता है उनके लिए ये प्रॉब्लम आई हो, बाकी जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है उनके लिए समय भी पर्याप्त है, क्वेश्चन भी अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। हमारे खुद के अकेडमी के बच्चे कम से कम 10-12 बच्चे पेपर दे चुके हैं, वो आ चुके हैं अकेडमी, उनका भी रिव्यू मैं आपके सामने जारी करूंगा। तो वो बच्चे भी बोल रहे थे कि सर हम आराम से पेपर अटेंड कर पाए क्योंकि पिछले 1.5 महीने से वो प्रैक्टिस में थे। अब जब हमने फिजिकल बेस लॉन्च किया था कि सर फिजिकल के लिए आप आ सकते हैं, 20 तारीख से फिजिकल शुरू हो गया है, साथ ही मेडिकल बेस भी हम जारी कर रहे हैं, तो जिनको मेडिकल कराना है, जिनका अच्छे नंबर है, वो भी लाडले आ सकते हैं मेडिकल के लिए, ठीक है, इसके लिए भी आपको डेट दे दी जाएगी। अब देखो सर इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी, तो पहले तो मैं बताऊं जिन बच्चों का पेपर अब आगे है उनको इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, उनको पेपर किसी भी प्रेशर में अटेंड नहीं करना है, स्वतंत्र तरीके से पेपर देना है, जितने भी नंबर पे जाएगी चली जाएगी, आपको पेपर में जो आता है वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का पेपर हो गया उनको अगर मैं एडवाइस दूं तो मैं ये बोल रहा हूं इस बार का पेपर और पिछले बार के पेपर में ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल आसान पेपर पिछली बार भी था, इस बार भी आसान, और पेपर एसएससीडी का यही लेवल रहता है, अगर आप इसको हार्ड बोलोगे तो हार्ड बोलो, आसान बोलो तो आसान बोलो, लेकिन पिछली बार की कट ऑफ से इस बार कट ऑफ नीचे रहेगी, ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कट ऑफ नीचे क्यों रहेगी? पिछली इस बार 3 साल का एज की छूट थी जो कि इस बार नहीं है, लेकिन आप बोलोगे सर पिछली बार पोस्ट ऑफ वैकेंसी 50,000 थी, इस बार 25 ही है, लेकिन इससे कट ऑफ डाउन होगी, फिजिकली कट ऑफ तो 100% डाउन आएगी आएगी, क्योंकि जो बच्चे 3 साल के एज में बढ़ते हैं ना वो काफी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो तैयारी कर रहे होते हैं पिछले कई समय से, इसकी वजह से पेपर को हाई लेवल पे ले जाते हैं, तो पिछले अगर कट ऑफ को आप फाइट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको 100% फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और फिजिकल ही जल्दी है क्योंकि 15 मार्च तक आपके आंसर की लग जाएगी इसकी, और हो सकता है कि अप्रैल स्टार्टिंग में आपके फिजिकल शुरू हो जाए, ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। पिछले वाले कट ऑफ से इस बार कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है अभी तक के पेपर को देखते हुए, बाकी आगे जैसे पेपर आएंगे आपको और एक रिव्यू दे देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।